चैनल राम अनुराधा। आज मैं आ गई हूँ तेली बाधा। ऐसे ही बच्चों को कुछ खाना था तो ऐसे ही हम आ गए हैं। दिखाती हूँ आपको, इतना अच्छा तालाब है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कुछ शॉप्स भी खुल गए हैं, खाने के एक रेस्टोरेंट भी है वो जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बना है। तो यहाँ बहुत लोग शाम को आ जाते हैं, बहुत चहल पहल होती है। यह है रायपुर का मरीन ड्राइव। यह है देवभोग का पार्लर और यह है वॉकिंग ट्रैक। आगे पिज्जा हट भी है और खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कुछ लोग यहाँ वॉक के लिए आते हैं इवनिंग, और कुछ लोग ऐसे ही कुछ खाने के लिए। बहुत ही अच्छा बना दिया गया है ये जगह को। मैंने अपनी वॉच में लगा लिया है वॉकिंग, और अब देखते हैं हम कितनी देर यहाँ पे वॉक कर पाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इन बर्ड्स को देख के, ये डक्स को देखकर। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है ना लेक में, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये आ गए हम पिज़्ज़ा हट। कितना ब्यूटीफुल बनाया है, गार्डन, उसके बाद पिज़्ज़ा हट। मैं बस बच्चों को देख रही हूँ कि वो कहाँ गए हैं, क्या खाने वाले हैं। वो आगे आगे निकल गए हैं और मैं बस पीछे पीछे वॉक करते हुए आ रही हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। अगर आप नहीं आए हैं एक बार भी इसके बनने के बाद, तो एक बार ज़रूर आए। यहाँ पे कुछ और शॉप्स दिख रही हैं मुझे, देखती हूँ यहाँ क्या मिलता है। अंकल पीटर्स पैनकेक एंड कैफे है, बीजिंग बाइट्स है, कलर बार है, मतलब कॉस्मेटिक शॉप भी है यहाँ पर, आईबेको है। बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम मॉल में हैं या कोई वॉकिंग स्ट्रीट पर। ये देखिए बर्ड्स शाम के समय अपने घर जा रहे हैं। इतना शांत वातावरण है यहाँ का। और कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मैं यहाँ खड़े होके आपको रोड दिखाती हूँ तेली बांधा। ये बर्ड्स कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो रोड है, उसका जो रिफ्लेक्शन है ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक रेस्टोरेंट है बाहर, आगे जो दूर दिख रहा है ये रहा। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, और ये है पूरे लेक का व्यू। चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बना है, गांधी जी बने हैं। और ये बहुत सुंदर सा गार्डन भी बना है। और ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, वॉक करते हुए कोई बोर नहीं हो सकता यहाँ पे। और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। कान में हेडफोन लगाओ और निकल जाओ। आज तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, वरना मैं ऐसे ही करूँगी अगली बार। पे टॉयलेट भी बनी हुई है, आपने देखा हो अगर तो, ताकि यहाँ गंदगी ना हो। प्रॉपर डस्टबिन्स भी हैं। और ये लेक का व्यू देखिए यहाँ से, कितना अच्छा दिख रहा है। और इसके पूरा यहाँ से हम गोल घूमते हुए मेन रोड में उस साइड पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे अंदर एक छोटा सा पार्क भी है, बच्चों के लिए झूले भी हैं इसमें। ये शाम को 5 से 7 बजे तक लगा रहता है। ना लगेंगे। अच्छा, और आ गए हैं क्या? पर स्लाइड वगैरह तो लगी हुई है। अच्छा ठीक है, मतलब ये रीइनोवेट होने वाला है, पर अभी कुछ हुए हैं। मैं अपने बच्चों को लेके आ चुकी हूँ पहले भी, बट ये कुछ टूट गए हैं, तो ये फिर और भी लगने वाले हैं, फिर ये गार्डन और भी सुंदर हो जाएगा। ये देखिए हम आ गए हैं अपोजिट, उस साइड रोड है और हम इस साइड वॉक कर रहे हैं। ये जो आपको व्यू मिल रहा है यहाँ से, इतना सुंदर। बच्चों के लिए बस भी घूमती है यहाँ पे, तो बच्चों को अगर इस बस में घूमना हो, मज़े करना हो, वो थक जाते हैं जल्दी, बड़े तो वॉक कर लेते हैं, उनके लिए ये इतनी अच्छी बस इच्छा होने लगती है ऐसी बस में बैठने की। ये जो पोल आप देख रहे हैं ना, इसमें रायपुर का सबसे बड़ा फ्लैग लहराता है। शाम होने के कारण अभी नहीं लगा है, बट इतना सुंदर लगता है वो, और चारों तरफ में रायपुर में दिखता है वो, बहुत बड़ा फ्लैग है वो। ये है वो रेस्टोरेंट जो उधर से दिख रहा था, श्री फूड लैब्स। इतना अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के, कितना अच्छा लगेगा खाना। और बच्चों के लिए ये गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, इसमें वो घूम सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, पिज़्ज़ा, फर्स्ट हाफ, करीज, रोल्स, मोमोस अड्डा। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अपोजिट हम वहाँ से आ रहे हैं, उस साइड थे हम अभी, और हम ये पूरा ट्रैक चलकर यहाँ आए हैं। बच्चे यहाँ पर कुछ खाएंगे और फिर हम जाएंगे घर। Thank you.
हम आ गए हैं मोमोस अड्डा। ओम को नूडल्स खाने हैं तो यहाँ से कुछ नूडल्स पार्सल लेंगे, फिर हम जाएंगे। यहाँ से हमने कार्ड बनवाया, एक कार्ड बनवाना होता है उससे पेमेंट होगा और हम लेके फिर घर जाएंगे मोमोस अड्डा से नूडल्स। यहाँ के मोमोस बहुत अच्छे होते हैं, ओम को तो बहुत पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे ओम कौन है? ओम मेरा बड़ा बेटा है। अब मैं आ गई हूँ नेस्कैफे, सोम को लेना है ब्राउनी, तो हमने यहाँ से ब्राउनी ऑर्डर किया है। इसका पेमेंट इस कार्ड से होता है, ये जो कार्ड है इसको रिचार्ज कराना होता है और ये इससे पेमेंट कर देते हैं। तो अब हम ब्राउनी लेके यहाँ से चलेंगे। अब ये ट्रेन चल पड़ी है और बच्चों को लेके चली है उसको घुमाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी है, काफ़ी कोजी सी जगह है, यहाँ बैठ के भी अच्छे से खा सकते हैं। मुझे ये ट्रेन बहुत प्यारी लग रही है। जब ओमसोम छोटे थे तो मॉल में इसमें घूमते थे और ऐसे आउटडोर्स में कहीं पे ऐसी ट्रेन नहीं हुआ करती थी। हर समय मॉल जाना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे आउटिंग करना अच्छा लगता है, खुली हवा में घूमना। पर अब तो ओमसोम बड़े हो गए हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। फिर किसी दिन आपको कोई अच्छी जगह घुमाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ये है तेलीबांधा तालाब। ये है इसका फ्रंट व्यू। मोर रायपुर। मेरा वॉक हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर। ये रही हमारी गाड़ी। लेकिन फिर भी टच हो रहा है तो